एमपी के उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई है। विवाद इतना बड़ा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस झड़प पे मौके पर तैनात SDPO समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पूरा बवाल उस वक्त हुआ जब मंगलवार शाम को मरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी विधायक और MP सरकार में मंत्री मीना सिंह के खिलाफ जांच की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता रानी दुर्गावती चौराहे पर धरने पर बैठ गए और फिर सड़क पर जाम हटाने पर पहुंची पुलिस अधिकारियों से उलझ गए। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव किया गया जिसके पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।